नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों जैसा कि आपको पता चल चुका होगा, और नहीं पता चला है तो आप मेरे साथ स्टे ट्यून्ड रहिए, पता चल जाएगा। दोस्तों NTA NET का जो एग्ज़ाम होता है आपका NTA UGC NET का, तो दोस्तों ये जो दिसंबर वाला एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए डेट्स आ चुकी हैं। और अब ये जब डेट्स आ चुकी हैं, फॉर्म फिलिंग होने वाली है, तो अब आपको ज़रूरत है कि आप बिल्कुल कमर कस लें पढ़ाई करने के लिए अपनी। दोस्तों अगर आप इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अब आप इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी एक स्ट्रेटजी बना लें, आप अपना रूटीन सेट कर लें और अपनी पढ़ाई को एक नया टच दें। दोस्तों इस बार जो एग्ज़ाम होने वाला है वो थोड़ा सा पहले होने वाला है, यानी कि 10 से 15 दिन, यानी आपको टाइम 20 दिन आपको टाइम कम मिलने वाला है। दोस्तों ये अगर टाइम थोड़ा सा और मिल जाता तो और आप अच्छी प्रिपरेशन कर पाते, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, आपको टाइम से पहले, काफ़ी पहले ये अनाउंसमेंट NTA ने अपनी वेबसाइट पर कर दिया है। दोस्तों इस प्रेस रिलीज में जो 21 अगस्त को, यानी कि कल जो आउट हुई, आज 22 है और कल ये दोस्तों प्रेस रिलीज आउट हुई, इस प्रेस रिलीज में NTA ने बताया कि जो दिसंबर 2019 का पेपर होने वाला है वो किस डेट से किस डेट तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कब आपका एडमिट कार्ड अपलोड हो जाएगा साइट पर, कब दोस्तों आपका एग्ज़ाम होगा और रिजल्ट कब आउट होगा, ये सारी पूरी स्ट्रेटजी आपके सामने है। कब कौन सी डेट है ये सारी चीज़ें NTA ने डिसाइड करके आपको बता दिया है। तो दोस्तों इस प्रेस रिलीज का जो बेसिक मतलब है, तो ये सिर्फ उन्होंने दिसंबर 2019 तक की बात नहीं की, उन्होंने जून 2020 तक की बात किया है। जून 2020 तक का शेड्यूल आपके सामने डिसाइड करके पुटअप कर दिया है। तो दोस्तों UGC का ये जो एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर में, तो इसकी डेट यानी कि CBT तो होता ही है दोस्तों, आपको पता ही है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है आपका। ये दोस्तों फॉर्म जो अप्लाइंग की डेट है वो आपके सामने है स्क्रीन पर कि 9 सितंबर से लगा करके 9 अक्टूबर 2019, यानी एक मंथ का आपके पास टाइम होगा, एक मंथ के लिए टाइम है कि आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद अक्टूबर के बाद दोस्तों जस्ट 1 मंथ, यानी कि 1 महीने बाद जस्ट आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, यानी 9 नवंबर 2019 तक आपका जो एडमिट कार्ड है वो वेबसाइट पर शो करने लगेगा। इसके बाद दोस्तों जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो ये 2 दिसंबर से 6 दिसंबर तक है, यानी कि आपके पास आपका जो एग्जाम है वो 4 डेज में कंप्लीटली सारे सब्जेक्ट्स का, वो किसी भी सब्जेक्ट का हो तो वो एग्जाम आपका कंप्लीटली होने वाला है। और 31 दिसंबर, यानी कि जब न्यू ईयर आएगा दोस्तों, तो या तो आपके पास खुशी होगी और दुख भी हो सकता है, तो इसीलिए दुख ना हो, न्यू ईयर में खुशियां ही हो आपके पास, तो आप अपनी प्रिपरेशन को दोस्तों बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए। और दोस्तों जो इंग्लिश वाले मेरे साथी मित्र हैं, सारे लोग हैं, तो उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप अपना एक बिल्कुल शेड्यूल डिसाइड कर लें। अगर आप कहीं पर किसी संस्थान को, किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहते हैं पेपर 1 या पेपर 2 के लिए, तो दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं तो आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आएं, क्योंकि दोस्तों पेपर 1 और पेपर 2 आपके एक सब्सक्रिप्शन में, एक ही फीस में हम कंप्लीट करवा देते हैं। और दोस्तों जो मेरा बैच चल रहा है NTA नेट इंग्लिश के लिए, तो दोस्तों ऑलरेडी मैं उसमें कवरिंग कर रहा हूं और काफ़ी सारा मैंने पढ़ा भी दिया है। अगर आप अभी भी ज्वाइन करते हैं तो दोस्तों कवर कर लेंगे, क्योंकि आप पिछले वीडियोज को देख सकते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोज देख लेंगे उनके। दोस्तों इसी तरह जो 2020 जून में होने वाला है उसके लिए भी डेट्स आ चुकी हैं कि आपका 16 मार्च से 16 अप्रैल 2020 तक अप्लाइंग की डेट है। 15 मई को दोस्तों आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, और 15 से 20 जून के बीच में दोस्तों आपका एग्जाम होगा, और 5 जुलाई को रिजल्ट आउट हो जाएगा। तो ऐसे दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये सारा शेड्यूल NTA ने डिसाइड कर दिया। अब दोस्तों लास्ट में एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगा, क्योंकि दोस्तों प्रिपरेशन करना आपका दायित्व है, आपकी एक मोरल जिम्मेदारी है, आपकी अच्छे से प्रिपरेशन करें।
और केवल सेकेंड पेपर की नहीं, क्योंकि दोस्तों मैं तो इंग्लिश पढ़ाता हूँ आपको, सेकेंड पेपर पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं कहूँगा आपसे कि फर्स्ट और सेकेंड पेपर दोनों को लेकर के चलना है। अगर आप फर्स्ट और सेकेंड पेपर दोनों को लेकर के नहीं चलते हैं तो दोस्तों आप समझिए कि आपके फेल होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब आपका फर्स्ट पेपर काफ़ी इन्हेंस्ड होता है, आपको कोशिश करनी है कि फर्स्ट पेपर में 30+ ऑलवेज स्कोर हो। जितना दोस्तों ज़्यादा 30 से ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा है आपके लिए। इसीलिए दोस्तों दोनों पेपर हम अनअकैडमी पर करवाते हैं, और दोनों पेपर करने के बाद आप NTA आसानी से नेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आकर के दोस्तों आप जुड़ सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए जल्दी से, और जल्दी से सब्सक्रिप्शन लेने के बाद दोस्तों आइए लाइव क्लास पर मिलिए, वहाँ पर बातें करेंगे। दोस्तों एक जो चीज़ इंट्रोड्यूस किया है कंट्री वाइज, बहुत ज़्यादा मतलब कि पूरे ऑल ओवर कंट्री UGC NTA ने ये जो इंट्रोड्यूस किया है वो ये है कि TPC यानी कि टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर्स। दोस्तों बहुत सारे साथी मित्र हैं हमारे जो दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र से हैं, वैसे आजकल तो ऐसी कंडीशन नहीं है, कोई ना कोई दोस्तों एग्जाम में अपियर हो चुका होगा जिसने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दिए होंगे। लेकिन बाय द वे अगर कोई ऐसा है जिसने नहीं दिया है तो और चाहता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसी सर्विस या ऐसी सुविधा उसे मिल जाए, तो दोस्तों इसीलिए इस बात को ध्यान में रख करके NTA ने यह डिसाइड किया है कि ऑल ओवर कंट्री लगभग 4000 स्कूल और इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसे हैं जहां पर दोस्तों आप फ्री ऑफ कॉस्ट सैटरडे और संडे दो दिन, सैटरडे और संडे के दिन दो दिन दोस्तों अगर आप जाते हैं तो वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रैक्टिस के लिए आपको कंप्यूटर्स दिए जाएंगे, यानी कि आप वहां पर बैठ करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहां के जो नोडल ऑफिसर हैं वो आपकी मदद भी करेंगे दोस्तों, वो हेल्प करेंगे आपकी कि आप कैसे टेस्ट में अपीयर होंगे, क्योंकि वो टेस्ट का जो कंप्लीट पैटर्न है जैसा आप रियल एग्जाम में देखते हैं वैसा ही एक दोस्तों कुल मिलाकर के प्रैक्टिस के लिए आपके लिए सेंटर्स पर अवेलेबिलिटी रहेगी। तो दोस्तों आप ये कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, आप नियरेस्ट सेंटर को चुन करके वहाँ पर कर सकते हैं। तो उन लोगों की हेल्प होगी जो दोस्तों जो जिन लोगों ने कभी ऐसा फेस नहीं किया, क्योंकि जब आप एग्जाम में होते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो दोस्तों बिल्कुल आप अपनी तैयारी को लेकर के सीरियस हो जाइए, और ये जो मैसेज आया है NTA से इस मैसेज को बिल्कुल आप ऑफिशियली देख पाएंगे कब, जब अभी आपका पेपर दोस्तों आपके लिए फॉर्म्स आ जाएंगे, NTA के जो फॉर्म आउट हो जाएंगे, जब आप फॉर्म फिलिंग करेंगे तो कंप्लीट नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, मेरे साथ बने रहें और आपका दिन शुभ हो। और दोस्तों इसी तरह लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और कमेंट करते रहें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।